तो राम राम जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, क्लच कैसे लगता है तो स्टार्टिंग आई बता दूँ, iPad सेवन्थ जनरेशन से खेला गया गेम था वो बस वही है। मैं थोड़ा जॉर्जोपोल में जल्दी मर गया इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और अब आए हैं, मतलब ये आज का गेम iPad सेवन्थ जनरेशन का रिव्यू प्लस PUBG का गेम तो अपना है ही रेगुलर साथ में, क्योंकि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी भाई है। और आपको अगर इस गेम के अलावा और भी गेम चाहिए तो मैं आखिर तक आप देखते रहो, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको मतलब मिलेंगे, क्या सब कुछ मिलेगा। तो वीडियो पूरी देखते रहो। सबसे पहले तो गाइस, ये एक बंदा आया था पोचिंकी में, और ये यहाँ पे मतलब हम तो पहले ही लैंड कर गए थे और लैंड करने के काफ़ी देर बाद आया तो हमने इसको भी लैंड करा दिया। अब भाई साहब यहाँ पे दूसरे घर में आया तो यहाँ पे एक बंदा आगे फायर कर रहा था, उसका इदानी था नीचे से कोई तेरे ऊपर आ रहा है और वो रीलोडिंग करने लगा और उसके साथ हो गया गच्चो गच्चो। तो यहाँ से इसको कर दिया थोड़ा सा पोचिंकी के मिडल वाले जो कंपाउंड है उनमें पुश, बिकॉज भाई साहब बंदों को हमको किल लेनी थी ना। अब ऐसे अब आप मतलब iPad सेवन्थ जनरेशन का रिव्यू तो है तो उसके साथ ये थोड़ी ना कि हम किल ही ना लें, तो किल तो लेंगे और गेम रिव्यू भी दे देंगे साथ साथ में। आपको गेम प्ले का भी इंजॉय लो और प्लस रिव्यू भी देख लो, इससे अच्छा। और आपको इतना तगड़ा इंजॉयमेंट आपको कहाँ मिलेगा मतलब बता दो मेरे को एक बार नीचे कमेंट में कहाँ मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखो यार, मतलब स्क्वाड को मतलब ख़त्म कर रहे हैं पर फिर भी कोई लैग नहीं है यार। मेरे पास iPad सिक्स जनरेशन जो से आपको पता होगा भाई, उससे बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, उससे हीट कम करता है, उससे अच्छी परफॉर्मेंस है, उससे अच्छा स्मूथ चलता है। मतलब आप और मैं क्या ही बताऊँ, मतलब आपको पता अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना क्या चल रहा होगा। उधर से एक बंदा करना लगा मेरे पे फायरिंग, मतलब रोड से उस साइड वाले घरों से। मैंने कहा भाई डटो थोड़ा थामा। तो भैया हमने लगाया एक ही हमको मतलब आयरन साइट पे और इसको कर दिया गच्चो। और ये बंदा टीपीपी ले रहा था सामने वाले लेने के, इसको नहीं पता भाई इधर भी तो है कोई, उसको भी देख ले। मतलब ऐसा हार्ड पिक करके कभी मत बैठो, हार्ड पिक या हार्ड टीपीपी लेके मत बैठो कि आपके टीपीपी में छेद हो जाए, मतलब छेद नहीं करने भैया। तो ये लोंडा एक नीचे भाई साहब, मतलब का ही बताएं इसका भी, ये भी मतलब मेरे को मारने के लिए उन्होंने इतना तगड़ा झंडा बना के आए थे मेरे ऊपर, बट इनको नहीं पता था कि भाई वो तुम्हारा जेठ लगता है तो वो तुमको उठा देगा। और ये गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल कर रहा था, यहाँ पे ये भागने की कोशिश की और इसने मतलब इसको एक गेम के 2-3 शॉट पड़ गई और स्कारल का भी एक पड़ गया। तो इसकी हेल्थ तो मेरे को पता है बिल्कुल लो थी, बट क्या करना स्कोप होता तो इसको भाई साहब मतलब ऐसा मारते, मतलब का ही बताएं ऐसा मारते, लैंड ही करा देते बस इसको। तो यहाँ से भाग के फिर ये एक जो मतलब मैंने घर में नॉकआउट किया तो बंदा मेरे पास आई आ गया कि भैया मेरे को मार दो यार, मेरे को नेक्स्ट गेम खेलना है, मैं खुद ही नहीं एग्जिट करना चाहता, मर के एग्जिट होऊंगा। तो चलो कोई नहीं भाई, तेरे को भी लैंड करा देंगे, इतना क्यों टेंशन ले रहा है। और मैं उस बंदे की तरफ आ गया जो गाड़ी लेके भागा था, वो मेरे को पता था यहाँ रुकेगा और वो यहाँ पर रुका और उसने एक बोट को मारा और मेरे पे वापस रश कर रहा था। अब इसको थोड़ी पता था किंग एंबर भैया की तरह कि हम इस पे वापस VR बैग रस करते हैं, मतलब मैंने खुद ही इस पे रस कर दिया। तो यहाँ पे मैंने चेक किया पहले कुछ, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। और यहाँ पे फिर मैं घूमते फिरते आ गया जॉर्जोपोल, और जॉर्जोपोल में आया तो एक लोंडा मतलब यहाँ था और मैं रोका और उसने मेरे पर रस कर दिया और मैंने एक गेम से उसको किया नॉकआउट और जड़ से ख़त्म। मतलब का ही बताऊँ, मतलब लैंड ही करा दिया उसको और मैं वो यहाँ से भाग गया। मतलब ना हेल्थ मेरे को नहीं पता था इसके बंदे और यहाँ पे आसपास कहाँ टीपीपी ले रहे हो, क्या पता उनके टीपीपी में छेद ना हो। वैसे बहुतों के छेद होते हैं टीपीपी में, बट क्या पता उनके ना हो। चड्डी में मत सोच लेना, मैं टीपीपी कह रहा हूँ भाई लोग, टीपीपी। और यहाँ पर फिर मैं आता हूँ मतलब एक ड्रॉप पे, वहाँ और कोई नहीं मिला, वो अकेला पता नहीं जॉर्जोपोल लूट के क्या मतलब चौड़े में फिर रहा था, मेरे को उसका कुछ नहीं अंदाजा। और यहाँ पर ड्रॉप पर आता हूँ तो एक गाड़ी मेरे को आती थी कि दिख रही है आपको, देखो वो आ रही, मतलब देखो वो आ गई। और फिर मैंने उस पर फायरिंग करने का ना सोच के मैंने सोचा इसको उतरने दो, अब ये मैं फायरिंग कर दूंगा भाग जाएगा, क्या इतना मेरा तकड़ा एम है नहीं, मैं मतलब नूब ही हूँ। तो भाई लोग मैंने वेट किया इसका और इसको जड़ से कर दिया ख़त्म, अच्छे से कहके ली सोचा माइंड अपना है। और यहाँ पे फिर ये बंदे फायर कर रहे थे मेरे पे कर रहे थे या पता नहीं किस पे, इधर वाले कंपाउंड से। यहाँ पे आया मैंने ठोकी, एक बंदा ऊपर था, एक बाहर से मेरे को फुटस्टेप आए और मैंने उसको भी कर दिया जड़ से ख़त्म। जड़ से नहीं हुआ बट वो पीछे वाला जंप कर गया, इतने में मेरे को उसके पैरों के बाद मैंने सोचा पहले पीछे वाले को देखता भाई वरना वो हमको लपेट लेगा, तो दोनों को करके ख़त्म। तुम्हारा भाई चौड़े में घूमता था यार, दीपक लाल की तरह चौड़े में घूमता है तुम्हारा भाई, मतलब अब तो तुम्हारा भाई चौड़े में घूमता है। दीपक लाल को जानते होगे भाई, हम उसको फेमस करवा देंगे, मतलब कह के मतलब उसके नाम से हम फेमस हो जाए यार, क्या ही बताएं, कुछ ही सोच लो गाइज। उस गेम में मैं उसके बाद मर गया था। इसलिए मेरे को सेकंड गेम करना पड़ रहा है। और सेकंड गेम में मैं वी आर बैक इन पोचिंकी, मतलब मैं फिर से पोचिंकी आया हूँ। और गाइज क्वालिटी आपको खुद भी दिख रही होगी, जो मतलब मैं आईपैड 6th जनरेशन में खेलता था उससे मेरे को खुद भी काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी दिखती है, मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है मेरे को खुद लग रही है। हीट भी बहुत कम करता है उससे, तो बहुत ही ज़्यादा कम हीट करता है। तो यहाँ पे पोचिंकी में हम मतलब मैं उड़ते ले रहा हूँ लोगों के, और यहाँ पे ये बंदा पता नहीं किस पे मार रहा था, बट इसको नहीं पता इधर से कोई लेज ग्रिप करके तेरे ऊपर जड़ सीधा ही आ जाएगा और तेरे को ख़त्म ही कर देगा, मतलब लैंड ही करा देगा बिल्कुल। सो वो हमारे बंदे को ये मतलब पूरा एक रैंडम स्क्वाड के साथ, मेरी कोई स्क्वाड नहीं है भाई, रैंडम है, टोटल रैंडम के साथ खेल रहा हूँ ये वाला गेम। बिकॉज यार मैंने सोचा कि चार बंदों के साथ भी खेल के देखते हैं, सोलो स्क्वाड भी खेल के देखते हैं क्या लैग क्या होता है। भाई लैग मतलब मेरे को 0% फ्रेम ड्रॉप दिखे, आपको भी देख रहे यार, आपके सामने ही तो चल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि कोई फ्रेम ड्रॉप हो रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा। भाई लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा गेम प्ले भी और फ्रेम ड्रॉप वगैरह सब कुछ कैसा। हीटिंग इशू भाई iPad 6 है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी नहीं है, परफॉर्मेंस धांसू, बट iPad 6th जनरेशन से बहुत कम हीट करता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा हीट करता है भाई लोग, बहुत ही ज़्यादा हीट करता है इससे तो। सो ये है कुछ परफॉर्मेंस की भी, आप मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा यार, गेम प्ले का भी एंजॉय ले लो, प्लस आपको ये तो मिल ही रहा है। और स्टार्टिंग वाला क्लच कैसा लगा सबसे पहले वो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये तुम्हारे भाई का OP सोने वाला शॉट, मतलब जैसे लोगों का पट से शॉट होता है, हमारे सोने वाला शॉट कैसा लगा आपको? प्रोन एंड शूट वाला ये भाई मैं बहुत तकड़ा मारता हूँ, कई बार जब मारता हूँ ना मतलब तबाही मचा देता हूँ, धुआं धुआं कर देता हूँ सब कुछ। तो मैंने इस पर नेड करने की कोशिश की, बट इसने VR बैक मोली मार दी मेरे पे, और पता नहीं नेड से क्यों नहीं मरा ये लोंडा, मतलब नेड ऊपर ही फटा है बट नहीं मरा, तो क्या ही बताएं। मतलब हमारे 3 नंबर भैया ने, मैंने कहा भाई मत घुस वो, बट वो इसको घुस के मार देगा और हमको यहाँ से किल नहीं मिलेगी, मतलब का ही बताएं यार, स्कैम हो गया। और यहाँ से हम निकल गए, हम 2 ही बचे थे, मतलब रैंडम स्क्वाड के साथ खेल रहा था। गाड़ी वाला एक रोड की तरफ जाने के बजाय पता नहीं किधर सस्ते से कर रहा था, मैंने सीट चेंज की चलती गाड़ी से और इसको कर दिया ख़त्म। इसने सोचा एक तो बंदा गाड़ी चला रहा है, इसने देखे होंगे 2 बंदे हैं उतर के मार देता हूँ। भाई इसको नहीं पता था हम स्कैम भी कर देते हैं, मतलब गाड़ी सीट चेंज करके मार भी देते हैं, का ही बताएं, मतलब का ही बताएं, नूबड़ा समझ लेते हैं हमको कई लोग, नूबड़ा वैसे तो हूँ मैं बट कई लोग कुछ ज़्यादा ही समझ। और यहाँ पे फिर इसको किया हमने जड़ से ख़त्म, मतलब क्या ही बताएं, ये हमारी किल चुर गई। और फिर आ गए हम एक फ्लेयर ड्रॉप पे, वैसे इसके कुछ शॉट्स आपको कल एक मैंने मोन्टाज डाली थी वहाँ पे भी मिले होंगे, मैंने उसमें बताया मतलब डिस्क्रिप्शन में शायद अपडेट कर दिया था कि iPad 7th जनरेशन 6 दोनों के कुछ गेम प्लेज हैं। ये वाला गेम 7th जनरेशन में खेला गया है, सो 6th जनरेशन के तो वैसे मैं डालता ही रहता हूँ, बट 7th के मैं आपकी कुछ डिमांडों पे डालूंगा, वो वीडियो देखो, एंड में बताता हूँ आपको, एंड में या मिडल में जैसे भी, मतलब वो थोड़ी देर देखते रहो, क्लच देख लो पहले। यहाँ पे लोंडे घर में घुस गए, हमारे बंदे को नॉकआउट कर दिया, और वो भाई कह रहा भाई तू प्रो ऐसे कह रहा है, बस आपको ना सुनाई दे तो कोई बात नहीं, बट वो कह रहा है पीछे से कि भाई तू प्रो कर दे ख़त्म ये वो ऐसे वैसे। और मैं वही बात तुम्हारा भाई छोड़े में हो जाता है ऐसी ऐसी बातें कहने के बाद, और तुम्हारा भाई सबको लपेट लेता है। यहाँ पे देखो कैसा तकड़ा क्लच मारता हूँ, देखो गाइज क्लच करते टाइम मेरे को 0% फ्रेम ड्रॉप दिखा है, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा मतलब iPad 6th जनरेशन में कैसा सिस्टम चल रहा है, कैसा क्या सारा सीन है आप सभी के सामने ही। और हमारा लोंडा हो जाता है ध्वस्त, मतलब मर ही जाता है भाई, इसको लूट के फिर हमको निकलना तो था ही भाई। यहाँ पे बस इनके 3 ही लोंडे थे, पता नहीं चौथा कहाँ सैर सपाटे कर रहा था, तो यहाँ से फिर हम निकल जाते हैं। और फिर आते हैं पोचिंकी वाले जो साइड में ये वेयर हाउस आते हैं, बर्न हाउस जिनको कहते हैं, बर्न हाउस, मतलब मैं गलत प्रोनाउंस कर गया हूँ तो कोई बात नहीं गाइज, आप सब ठीक से कर लेना बिकॉज हम इंग्लिश में हमारा आतंक है, यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पे MK14 से मैं सोर्स देता हूँ बट वो नहीं नॉकआउट होता, उसने मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन कर दी थी, और मैं वापस से हेल्थ बढ़ाता हूँ पहले, तो मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ बढ़ाओ सबसे पहले गाइज, उससे पहले कुछ भी मत करो बिकॉज कोई फ़ायदा ही नहीं है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी रेस ये है कि भाई हम हेल्थ बढ़ाएंगे सबसे पहले, और वो फिर से आएगा, देखना गाइज मैं उसको कैसे लपेटूँगा बिकॉज हमको मारना था। ओ नाम रहा बंदा का एक लोंडा कूद के सोचता बाद में पता नहीं क्या करता है, MK14 के 2 शॉट्स को पड़ते हैं भाई, तीसरा और पड़ जाता तो वो ध्वस्त हो जाता, मतलब नॉकआउट हो जाता, और वो DP भाई क्या ही समझ रखा है हमको, मतलब हम क्या कहते हैं मतलब सोलो, मतलब मैं सोलो बचाऊँ तो ये थोड़ी ना है कि तुम चौड़े में घूमोगे भाई, लपेट लेंगे हम तुमको। और गाइज मैं ये कह रहा था कि आपको अगर ये देखो हमके मतलब आईपैड 7th जनरेशन का गेम प्ले है। अब बात ये है कि आपको अगर और गेम प्ले चाहिए और कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी चाहिए, सबसे पहली बात भाई आईपैड 7th जनरेशन के ऐसे गेम प्ले में ज़्यादा नहीं डालूंगा, बस कुछ कंडीशन। आप इस पर अगर इस वीडियो पे 5K व्यूज़ आ जाते हैं नेक्स्ट गेम प्ले उसी दिन मिल जाएगा आपको। बिकॉज यार देखो अब ऐसे में मतलब लोग स्पेशल टाइटल डाल के डालता हूँ एक यार गेमिंग चैनल के तौर पे, अब टाइटल आईपैड 7th जनरेशन वगैरह डालना ठीक नहीं है। सो ये कोई और मत समझना कि भाई मैं बस अपने व्यूज़ पाने के लिए, भाई व्यूज़ तो देखो चलो मैं मानता हूँ मैं पाने के लिए कर रहा हूँ, बट वो तो यार सभी यूट्यूबर्स करते हैं। बट जो ये वाली चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ कि भाई 5K व्यूज़ आप पहुँचाओगे तो मतलब दूसरा गेम प्ले, अब वही यार टाइटल में मतलब बार बार में आईपैड 7th जनरेशन डालने से यूट्यूब वीडियोस को सर्चिंग में वहीं पे पहुंचाता है जहाँ आईपैड 7th जनरेशन सर्च किया जाएगी, बट गेमिंग वालियों की सर्चिंग में नहीं पहुंचाता। सो इस वजह से यार अगर सपोर्ट मिलेगा तो ही करेंगे ना भाई लोग। अब वही है इस पर 100 व्यू आ जाए या 500 व्यू आ जाए तो उससे थोड़ी फ़ायदा है, वैसे तो नॉर्मल आते ही है गाइज। तो कुछ अलग सपोर्ट मिलेगा तो आपको और गेम प्ले भी मिलेंगे प्लस फुल अग्रेसन वाले, ये तो चलो फिर भी इतना अग्रेसन वाला गेम प्ले नहीं होगा बिकॉज मैं काफ़ी रिकॉर्ड मैंने पहले से करके रख रखे हैं। बट वही है भाई साहब डिमांड पे अपलोड करेंगे हम, कैसी डिमांड रहती है। और अब गाइज जी गेम प्ले होने वाला है महंगा, मतलब थोड़ा सा आप देख लेना कि किस टाइप से महंगा, और मतलब अब गेम प्ले में ख़त्म कर रहा हूँ, बिल्कुल स्मूथ चलता है। और अच्छे से चाहिए तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। ये देखो मैं कैसे मेरा मेरे को खुद तो गाइज़ मिलते नए वीडियो साथ। और गेम देखो आईपैड 7th जनरेशन का रिव्यू टोटल बता देता हूँ, बिल्कुल ओपी चलता है गाइज़। देखो 6th जनरेशन से तो मेरे को मतलब ऐसे मानो 40-50% अच्छा लगा। मतलब अगर मेरे पास उस टाइम पे 7th जनरेशन होता तो मे भी मेरे पास बजट था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने 6 लिया था, तो मैं 7th gen ही लेने की मतलब मैं आपको राय ये दूंगा अगर आपके पास बजट है 7th gen की तरफ जाओ। 6 से काफ़ी अच्छा चल रहा है, देखो स्मूथ भी चल रहा है प्लस क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यार 6 और 7 की। 7th की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का गेम प्ले था ये, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो गाइज मिलते हैं वीडियो साथ। अगर बाइक जैसे मैंने बता दिया गाइज 5K व्यूज़ करवा दोगे और जल्दी से जल्दी तो आपको अच्छे से अच्छे तबाही वाले गेम प्ले भी देखने को मिलेंगे 7th gen के, और 6th gen के तो अपने नॉर्मल आते ही हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप क्या कैसे करोगे, वैसे ही आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप सब बता देना बस कमेंट करके, वैसे जल्दी वीडियो में जैसी डिमांड रहेगी वैसी वीडियो बना के डाल देंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद जय भारत गाइज। और कोई डाउट रहा हो तो गाइज नई वीडियो आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।